मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आयोजन है ये निश्चित रूप से अच्छे ढंग से होगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आप सब लोग खेलेंगे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के बारे में जो भ्रांतियां देश भर में हैं, यहाँ आने के बाद मैं समझता हूं कि आप सबके मन से वो भ्रांतियां दूर हो गई होंगी। और पिछले वर्ष 1,88,00,000 लोग यहाँ पर्यटक के रूप में, टूरिस्ट के रूप में आए। अभी 31 अगस्त तक ये संख्या 1,52,00,000 के ऊपर चली गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष ये आंकड़ा 2.25 करोड़ के ऊपर होगा। ख़ासतौर से G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के आयोजन के बाद फॉरेन टूरिस्ट इन्फ्लक्स में करीब करीब 59% की वृद्धि जम्मू कश्मीर में हुई है। ये इस बात का संकेत है, पूरे देश में एक संदेश देता है कि चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। ये वक्त नहीं है कि मैं बाकी विषयों में आपका ध्यान आकृष्ट करूं, लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जो शारदा पीठ है ऐतिहासिक काल से ये ज्ञान की नगरी रही है और यहाँ की अद्भुत जो विरासत है उसे देख करके आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। किन्हीं परिस्थितियों में कुछ वर्षों तक जम्मू कश्मीर ने कुछ दंश झेले हैं, अब जम्मू कश्मीर उसके बाहर निकल रहा है और मुझे लगता है कि कई सेक्टर्स में आज जम्मू कश्मीर देश के किसी राज्य से बेहतर कर रहा है। उसकी चर्चा कभी बाद में होगी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं यहाँ आने के लिए और सभी ऑल कंपनीज के जो खिलाड़ी हैं, उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो भी समय आपका गुजरेगा वो अच्छी स्मृतियाँ लेकर के आप यहाँ से जाएंगे। अंत में आई डिक्लेयर द मीट ओपन। थैंक यू।